स्वागत है इस वक्त आपका इन खबर आप लोग देख रहे हैं और मैं आपके साथ रूपाली। बता दें कि जरा सलमान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सलमान खान की सिक्योरिटी पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बता दें कि इस तरह सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर जो है दो संदिग्धों का पकड़ा जाना की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दो संदिग्ध जो है तार तोड़कर सलमान खान के घर के अंदर जो है घुसते हुए नजर आए। इसके बाद हालांकि जो बॉडीगार्ड थे पनवेल फार्म हाउस के, उन्होंने जो है दोनों संदिग्धों को जो है धर दबोचा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इसके सीधे तार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है लगातार सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान पर लगातार जो है पूरे पिछले एक साल से, हालांकि काफी कई सालों से, लेकिन पिछले एक सालों से जो है लगातार ये इस तरीके की धमकियां सलमान खान को सामने आई है, सलमान खान के सामने आई है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से। और लॉरेंस बिश्नोई के खुद कई टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में ये बयान सामने आया था कि वो किस तरह से जो है सलमान खान को मार देना चाहते हैं, सलमान खान की जान लेना चाहते हैं। इस तरीके से कई तरीके के उनकी ओर से बयान जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हर बार सामने आते रहे। ऐसे में सलमान खान के जो है पनवेल फार्म हाउस में ये गतिविधि हो जाना, दो संदिग्धों का पकड़े जाना, उसी की ओर संकेत करता हुआ नजर आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों अब तक सलमान खान की जान के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं, क्यों लगातार सलमान खान को जान से मार देने की धमकी मिलती है, बता दें कि पिछले कई सालों से जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जो है सलमान खान को जान से मार देने की धमकी मिलती हुई नजर आती रहती है। इसी के कारण वर्ष जो है सलमान खान की सिक्योरिटी में कई बार इजाफा हुआ है। बता दें कि सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उनको लगातार बढ़ा दिया जाता है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो मिल गई है। वहीं आपको बता दें क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान की जान के पीछे पड़ी है। उसके पीछे मामला जो है वो 1998 का है, ये मामला काफी साल पुराना है और तब से लेकर अब तक जो है सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने के लिए जो है धमकी कई तरीके की उनको देते हुए नजर आता है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो 1998 से जुड़ा है, जब हम साथ साथ है फिल्म जो है सलमान खान की रिलीज होती है, जहां पे पूरी फिल्म की कास्ट के साथ जो है सलमान खान गांव राजस्थान के किसी गांव में मौजूद थे जहां पर उन्होंने शिकार कर लिया था। बता दें कि कहां पर उन्होंने काला हिरण का जो शिकार किया था और उनको जो है मारे, सलमान खान की ओर से जो है काले हिरण का शिकार करने की खबर जो है वो सामने आई थी। इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है पीछे पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों एक शिकार करने पर जो है लॉरेंस बिश्नोई इतने आहत हो गए हैं कि सलमान खान की जान के पीछे पड़े। दरअसल इसके पीछे पूरा मामला ये है कि जो बिश्नोई गैंग होती, जो बिश्नोई समुदाय होता है, उनके जो है समुदाय के अंदर जो है काला हिरण को बेहद ही पाक माना जाता है, उनको बहुत ही ज्यादा उनका पूजा की जाती है, इनफैक्ट उनको रिलीजियसली काफी माना जाता है। इसी दौरान उनका शिकार करने पर जो है काला हिरण का शिकार करने पर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लॉरेंस बिश्नोई पूरा समूह जो है वो सलमान खान को इसके आरोपी मानते हैं और इसी के बाद जो है लगातार सलमान खान की जान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई पड़े हुए हैं, तभी से लगातार उनको धमकियां दी जाती हैं सलमान खान को, जिसके तहत जो है सलमान खान की सिक्योरिटी, भाईजान की सिक्योरिटी जो है वो जेड प्लस कर दी गई थी। पिछले साल ये जो धमकियों भरा जो सिलसिला है पिछले साल से ज्यादा उमड़ा है, क्योंकि पिछले साल ही कई टीवी चैनल्स की पर जो है टीवी चैनल ने प्रसारण किया था जहां पर बिश्नोई जो है वो खुद जेल के अंदर से बैठकर के जो है सलमान खान को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये पूरा मामला जो है ये दो संदिग्धों का सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस पर मिलने का जो पूरा तार है वो इसी बात से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जो जांच की गई है पुलिस की ओर से, जो जांच की गई है उसमें ये बताया गया है कि दोनों जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, वो अपने आप को जो है सलमान खान का जबरा फैन बता रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने तार तोड़कर के जो है सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की थी और दोनों एक दूसरे को, दोनों जो है वो सलमान खान का अपने आप को जबरा फैन बता रहे हैं। उनका मानना है कि वो सलमान खान से मिलना चाहते थे। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है जब और जांच की गई तो दोनों के पास से जो है फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर हो जाती है इस मामले में, क्योंकि फर्जी आई कार्ड जो वो बरामद किए गए हैं वो किस वजह से किए गए हैं, क्यों फर्जी आई कार्ड बनाए गए, क्यों उन आई कार्ड के जरिए जो है एंट्री अंदर इस तरीके से जो है ली गई, ये तो अपने आप में ही गुनाह हो जाता है। आप किस तरह से सिक्योरिटी को तोड़कर इस तरीके से किसी की जगह पर जो है प्रवेश कर रहे हैं, तार तोड़कर जो है घुसपैठ की गई है एक तरीके से, तो इस पूरे मामले पर जो है जांच अभी भी जारी है। बता दें कि दोनों आरोपी जो है वो पंजाब और राजस्थान से उनके तार जोड़ते हुए बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो राजस्थान और पंजाब से थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी जांच जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ही आरोपी, दोनों ही संदेह
संदिग्ध व्यक्ति सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में पहुंचे तो उस दौरान सलमान खान अपने फार्म हाउस में मौजूद नहीं थे। तो ये थोड़ी राहत की बात समझ आ रही है सामने, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर इतनी बड़ी आंच जो है वो आई है जब दो संदिग्ध जो है सलमान खान के फार्म हाउस पर ताला जो तार तोड़कर उसके जो है घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। दोनों ही को गिरफ्तार कर लिया गया इसको रिमांड में और ज्यादा जांच अभी बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट रहेगी मैं सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। आप बने रहेगा इन खबर के साथ। नमस्कार।